तीसरे टेस्ट हार के बाद विराट कोहली ने बदली चौथे टेस्ट के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द वीआईपी टीवी के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जैसे कि भारतीय टीम को तीसरे टेस्ट में इंग्लैंड के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा है, बल्लेबाजों ने तो खराब प्रदर्शन किया ही, साथ ही भारतीय टीम ने एक स्पेशलिस्ट स्पिनर को भी टीम में नहीं खिलाया, जिसकी कमी अब विराट कोहली को हो रही है। तो ऐसे में हार के बाद कप्तान कोहली ने चौथे टेस्ट में एक नई प्लेइंग 11 के साथ उतरने की बात कही है। दोस्तों, आपको बताएंगे चौथे टेस्ट के लिए किन बड़े बदलाव के साथ टीम इंडिया उतरेगी, तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। वहीं अगर आप भी चाहते हैं टीम इंडिया चौथे टेस्ट में इंग्लैंड को हराए, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। वहीं दोस्तों, कमेंट करके बताएं क्या अश्विन को चौथे टेस्ट में मौका देना चाहिए या नहीं, अपनी राय जरूर बताएं। तो चलिए, आपका ज्यादा समय न लेते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारतीय टीम ने लॉर्ड्स टेस्ट जीतने के बाद लीड्स टेस्ट गंवा दिया। इंग्लैंड की टीम ने तीसरे टेस्ट में कमाल का प्रदर्शन करते हुए भारतीय टीम को चौथे ही दिन लंच से पहले समेट दिया। इंग्लैंड ने पारी और 76 रनों से लीड्स टेस्ट जीता और अब सीरीज 1-1 से बराबर हो गई है। वहीं हार के बाद भारतीय कप्तान विराट कोहली ने माना कि उनकी टीम के बल्लेबाजों ने गलतियां की है, लेकिन वो अगले टेस्ट में अच्छी तैयारी और गलती से सबक लेने की बात कह रहे हैं। साथ ही विराट कोहली ने ऋषभ पंत का भी बचाव किया और कहा कि वो इस खिलाड़ी को पूरे मौके देंगे। विराट कोहली ने हार के बाद कहा, हार से हमारे खिलाड़ी आहत हैं और जब वो आहत होते हैं तो वो अपनी गलतियां हर हाल में सही करना चाहते हैं। हम अगले 2 टेस्ट मैच इसी तरह खेलने वाले हैं। लीड्स में मिली हार से हमारा मनोबल टूटा नहीं है। विराट कोहली ने विकेटकीपर ऋषभ पंत का भी समर्थन किया और उन्होंने साफ कहा कि उन्हें बाहर की बातों से फर्क नहीं पड़ता और वो पंत को पूरा मौका देंगे। वही दोस्तों, टीम इंडिया की शर्मनाक हार के बाद पूर्व भारतीय कप्तान दिलीप वेंगसरकर ने इंग्लैंड के खिलाफ 2 सितंबर से शुरू होने वाले चौथे टेस्ट के लिए छठे विशेषज्ञ बल्लेबाज के तौर पर मुंबई के सूर्यकुमार यादव को टीम इंडिया में शामिल करने की वकायत की है। वेंगसरकर ने कहा, मेरा मानना है कि हमें अपने बल्लेबाजी लाइन अप को मजबूत करने की जरूरत है, जो हनुमा विहारी के बजाय सूर्यकुमार यादव को शामिल करके हो सकता है। हमें एक गेंदबाज को बाहर कर छठे बल्लेबाज के साथ उतरना चाहिए। भारत के महान खिलाड़ी सुनील गावस्कर ने भी 6 बल्लेबाजों के साथ खेलने का समर्थन किया है। हालांकि भारतीय कप्तान विराट कोहली ने इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट में बड़ी हार के बावजूद 5 विशेषज्ञ गेंदबाजों के साथ बने रहने का समर्थन किया है। हालांकि कोहली ने तेज गेंदबाजों की यूनिट में चौथे टेस्ट मैच में बदलाव का संकेत दिया, लेकिन कोहली ने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीम में एक अतिरिक्त बल्लेबाज को रखने के विचार को खारिज कर दिया। कोहली ने कहा कि हम 6 बल्लेबाजों के साथ ही मैच खेलेंगे। अब दोस्तों, हो सकता है इन 6 बल्लेबाजों में से एक ही खिलाड़ी को बाहर किया जाए, जिसमें सबसे पहला नंबर अजिंक्य रहाणे का है, जिन्होंने इंग्लैंड दौरे में अभी तक रन बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उनके खराब फॉर्म के कारण मिडिल ऑर्डर पूरी तरह ध्वस्त हो गई है। तो ऐसे में कोहली बल्लेबाजी में बदलाव करते हुए सूर्यकुमार यादव को मौका दे सकते हैं। दोस्तों, भारत 2 सितंबर से ओवल में चौथा टेस्ट खेलेगी और ईशान शर्मा, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी में से कम एक गेंदबाज को आराम दिया जा सकता है। वैसे दोस्तों, यहां खेले गए तीसरे टेस्ट की गेंदबाजी देखें तो ईशान शर्मा को टीम से बाहर होना पड़ सकता है। कप्तान कोहली ने हालांकि अभी किसी का नाम नहीं लिया। कोहली से जब पूछा गया कि क्या उन्हें लगता है कि ईशान को रन अप से परेशानी हो रही है, तो उन्होंने कहा, मेरा ध्यान उनके रन अप पर नहीं था क्योंकि मैं स्लिप में खड़ा था। दोस्तों, अगर ईशान चौथे टेस्ट से बाहर होते हैं, उनकी जगह रविचंद्रन अश्विन को मौका मिल सकता है। अश्विन को इंग्लैंड दौरे पर लगातार 3 टेस्ट मैचों में बेंच पर बैठना पड़ा है। इस गेंदबाज ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में 3 विकेट झटके थे। वहीं काउंटी क्रिकेट में सरे की ओर से खेलते हुए 6 विकेट झटका था।